मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे आई एम बैक विथ अ वेरी न्यू इनोवेटिव आइडिया गिवन बाय माय फेवरेट एंड रेनाउंड प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र शेठ. ही ऑलवेज बिलीव्स इन पेइंग कॉम्प्लीमेंट्स टू अदर पर्संस. यू नो व्हाई? बिकॉज जिंदगी में हम लोग बहुत भाग दौड़ करते हैं, कहीं ना कहीं हम थक जाते हैं, कहीं ना कहीं लोग इतने व्यस्त हैं कि किसी के लिए किसी के पास समय ही नहीं है. मैं भी ये मानती हूँ दोस्तों कि अगर आपने किसी की तारीफ कर दी, किसी के अच्छे नेचर के बारे में, अटायर के बारे में, बिहेवियर के बारे में, काम के बारे में कुछ दो शब्द लिख दिए, तो वो उसके लिए मोटिवेशनल हो सकता है और उसमें उसकी प्रोग्रेस में और उसके लाइफ में बहुत इम्प्रूवमेंट आ सकती है. जैसे कि हम आजकल सोशल मीडिया पे हर एक वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे मैसेजेस देखते हैं, पर बदले में हम लोग क्या करते हैं? थम्स अप ऐसा करेंगे, या फिर हमारे पास स्माइलीज होंगे, हमारे पास सिंबल्स हैं, हमारे फीलिंग्स को हम लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेस्ट विशेस तक नहीं लिखते हैं. दिस इज नॉट फेयर. प्लीज अपने आसपास के लोगों के लिए थोड़ा समय निकालिए, उसको कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए, एंड उसमें आपका भी एक फायदा है. यू नो, उसमें आपका भाषा, आपकी लैंग्वेज पे आपका कमांड और बढ़ेगा और सामने वाले को तो फायदा होगा ही होगा क्योंकि वो खुश होगा, पर आपके पास आपकी लैंग्वेज बेटर बेटर एंड दी बेस्ट हो सकती है. उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं है. ये वीडियो के साथ मैं एक लिंक शेयर करूँगी जिसमें बहुत तरीके के कॉम्प्लीमेंट्स होंगे, जैसे यू हैव अ वेरी क्यूट स्माइल, यू हैव अ मेलोडियस वॉइस, आई अप्रिशिएट योर वर्क, योर अटायर इज वेरी प्रिटी, जैसे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स लिखे होंगे. उसमें से आप अपनों के लिए थोड़ा समय निकाल के प्लीज़ उसे कॉम्प्लीमेंट दीजिए, उसको और आपको बहुत अच्छा लगेगा. सो दिस इज अ वीकेंड एंड आई नो यू आर गोइंग टू चिल आउट. हैव अ पॉजिटिव एंड ब्यूटिफुल डे. थैंक यू.